module 95 treatment of kleptomania CBT approach. So uh, when we talked about the uh, cognitive behaviour therapy, uh, we know there are a range of um, uh, techniques which we can use but here we will discuss few. This my number one problem-solving skill hai, uh, aise bache jo ke feel karte hai, tension and then they will start to uh, steal something. तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो फुली डवेलप नहीं हैं तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमने उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं उनके ऊपर काम करना है और उनको हेल्प करना है कि उन्होंने किस तरह अपनी प्रॉब्लम जो भी उनको है उसको किस तरह उन्होंने आइडेंटिफाई करना है किस तरीके से उन्होंने उसके पॉसिबल जो सोलूशनस हैं उनको आइडेंटिफाई करना है फिर किस तरह उन पॉसिबल सोलूशंस के कॉन्स और आ, प्रो देखने हैं यानी अगर वो उनमें से कोई भी जो भी सोलूशन वो ऑप्ट करना चाहते हैं उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है तो प्रो एंड कॉन्स देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है हर हर सोल्यूशन का देन दे एवेल्यूएट दी होल थिंग और फिर वो उसमें से जो एक बेस्ट uh, सोलूशन उनको लगता है वो उसको ऑप्ट करते हैं देन वी विल टेल देम ओके यू कैन डू दिस थिंग और फिर वो उसको रिव्यू करेंगे एंड देन दे विल फाइंड आउट के बाद दैट थिंग वर्कड और नॉट सो मेनली कि जिन चीज़ों की वजह से उन्हें टेंशन हो रही है हम उसके ऊपर वर्क करेंगे रादर uh, देन के हम uh, उनके जो क्लैप्टोमिया का एंड बिहेवियर है उसके ऊपर काम करें तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो फर्स्ट लेवल पर उन्हें टेंशन हो रही है हम वहीं पर देखें कि कौन से इवेंट्स हैं कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि बच्चे से हैंडल नहीं हो रहे और वो क्यों टेंशन फील करता है जिसकी वजह से उसके अंदर अर्ज डेवलप होती है फॉर स्टीलिंग देन वी विल वी कैन डू द काग्नेटिव रिस्ट्रक्चरिंग टेक्निक जिसके अंदर जो बच्चे के कॉग्निशंस हैं आ, वो हम उसके ऊपर वर्क करते हैं ताकि उसके कॉग्निशंस को चेंज करने के बाद हम उसका जो बिहेवियर है उसको चेंज कर सकें या हम उसके इमोशंस को चेंज कर सकें जैसे वी डिस्कस्ड अ वेरियस टाइम कि हम ए बी सी जो है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और जो उसका थॉट पैटर्न है जो कि अनहेल्पफुल है उसको हम डिटेक्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन से कॉग्निटिव डिस्टोशन जो है वो बच्चे के थॉट प्रोसेसिंग में चल रही है और फिर हम बच्चे को इस लेवल पे लेकर आएंगे कि वो अपनी जो अनहेल्पफुल थॉट प्रोसेसिंग है उसे हेल्पफुल थॉट प्रोसेसिंग से चेंज कर सके सो फॉर एग्जांपल माइट बी कि इस तरह के जो बच्चे क्लाप्टोमिया के एक्ट्स करते हैं वो उसके अंदर ये थॉट हो कि ओके आई विल शो एवरी वन दैट आई एम एबल टू डू दिस थिंग आई एम नॉट अ लूज़र आई वॉन्ट टू शो एवरी वन तो इस किस्म के जो थाट प्रोसेसिंग है उसकी उसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं और उसको हेल्प कर सकते हैं चेंज करने में ठीक है तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वी ऑलवेज सेट कि अगर हम कोर्गनीशन को चेंज को करने की कोशिश करें तो उसका इफेक्ट जो है वो बिहेवियर पे आता है और अल्टीमेटली जो आपके इमोशंस हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं देन वी विल टॉक अबाउट द रिलेप्स प्रवेंशन रिलेप्स प्रवेंशन का मतलब ये है कि अगर एक दफ़ा आपने ट्रीटमेंट की और ट्रीटमेंट के बाद बच्चा जो है वो अपने घर चला गया तो दे आर इस अचानसेस कि बच्चा जो है वो दोबारा से रिलैप्स कर जाए यानी दोबारा से वो कोई ऐसे आंशियस या एनजाइटी वाले environment में जाए जहाँ पर उसको दोबारा से वो जिसे कहते हैं थेफ्ट की तरफ चला जाए या स्टीलिंग की तरफ चला जाए तो अगर इस किस्म का जो एक्ट है वो उसके अंदर आने के चांसेस हैं तो उसके लिए हम relapse प्रिवेंशन प्रोग्राम करते हैं अब relapse prevention प्रोग्राम में हम बच्चे को एजुकेट करते हैं कि उसको पता होना चाहिए कि कौन कौन से उसके triggers हैं ताकि वो जैसे ही वो ट्रेगर उसके सामने आएँ तो उसको अवेयरनेस हो जाए इट माइट पॉसिबल कि जो प्रॉब्लम है वो दोबारा से रीअर कर सकता है और एट द सेम टाइम हम उसे एजुकेट करते हैं कि ही और शी शुड अ लुक फॉर द हेल्प अब लुक फॉर द हेल्प का क्या मतलब है अपने फ्रेंड से हेल्प ले सकता है अपने फैमिली मेम्बर से हेल्प ले सकता है और हम उनके फैमिली मेबर को इस पॉइंट के ऊपर एजुकेट करते हैं कि अगर बच्चे को इस किस्म का प्रॉब्लम आ रहा हो तो रादर टू क्रिटिसाइज़ द चाइल्ड कि तुमने पहले भी ये किया था तुम हमेशा ये करते हो तुम्हारे ऐसे ही एक्ट्स हैं रादर दैन डूइंग दैट जो नीड टू बी हेल्प द चाइल्ड टू ओवरकम दैट दैट अर्ज ठीक है तो दैट इज समथिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट सो ये जो सारी चीज़ है ये प्रिवेंशन प्रोग्राम बना के एंड में पेरेंट्स को और बच्चे को दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा इंडिपेंडेंटली मूव कर सके सो देर आर अदर टेक्निक्स ऑल्सो विच यू कैन यूज़ इन तीबी डी लेकिन मोस्ट uh, कॉमनली uh, जो यूज टेक्निक्स हैं सी की वो यही हैं थैंक यू